बार एक बच्चा गार्डन में घूम रहा था और वो रोज के रोज गार्डन में आता था, और एक दिन अचानक उसकी नजर गई एक पेड़ पर लटके हुए तितली के कोकून पर। जी हाँ, तितली का कोकून। वो डेली उसे देखता था, उसे बहुत अच्छा लगता था, और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून के बीच में एक छेद हो गया है। वो छेद में से उसने देखा कि छोटी सी जो बटरफ्लाई है वो फड़फड़ा रही है और बाहर आने की कोशिश कर रही है। जब वो बाहर आने की कोशिश कर रही है लेकिन वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो बच्चा, क्योंकि बच्चों का दिल होता है मासूम, उसने क्या किया, उस समय उसके मन में आ गई दया। उसने सोचा कि ये तितली परेशान हो रही है और मैं भी इस तितली को देखूंगा कि कैसे उड़ती है। तो उसने उस कोकून को ब्रेक कर दिया, जिससे कि वो तितली, जो कि पहले संघर्ष कर रही थी बाहर निकलने के लिए, अब आसानी से बाहर आ गई। जी हाँ, आसानी से बाहर आ गई। लेकिन आसानी से बाहर आने के बाद हुआ क्या, वो उसका जो शरीर था वो पूरी तरह से सूजा हुआ था और वो अपने पंख भी नहीं फैला पा रही थी। और वो बच्चा जो सामने बैठा है, वो खड़ा, वो देख रहा है कि भाई हाँ, ये तितली अभी उड़ेगी, लेकिन वो तितली नहीं उड़ सकी। जी हाँ, वो तितली नहीं उड़ सकी। क्यों? क्योंकि जो संघर्ष का समय था वो उसने वहां पर संघर्ष नहीं किया। तो कई बार होता क्या है, वास्तव में हमारे जीवन में भी कभी कभी क्या होता है, संघर्ष एक ऐसी चीज होती है जिसकी हमें अपने जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और हम लोग उसी से ही कतरा जाते हैं, उसी को ही हम वेस्ट समझ लेते हैं। जी नहीं, संघर्ष भी एक वो चीज है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें एहसास दिलाती है हमारी शक्तियों का। बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष के अगर हम अपने जीवन में सफलता पाते ही चले जाते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होगी, उसी तितली के समान जिसने संघर्ष नहीं किया था, जो संघर्ष से घबरा रही थी, उसी तितली के समान हम लोग भी अपंग हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी जो सफलता है वो कैसे हासिल होती है, संघर्ष से ही। और संघर्ष जो है वो हमारे को इतना स्ट्रोंग बना देता है कि हम लोग जो भी ऊंचाइयां चाहें वो छू सकते हैं कभी भी। इसलिए संघर्ष को आप नेगेटिव एस्पेक्ट में लेकर मत चलिए। हमेशा यही सोचिए कि अगर मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल आया है तो मीन्स ये मुझे कहीं ना कहीं तक बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हमेशा परेशान करने के लिए नहीं आती। जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ कभी भी परेशान करने के लिए नहीं आती हैं। ये हमारी छुपी हुई योग्यताओं, हमारी छुपी हुई शक्तियों और हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने के लिए हेल्प करती हैं। तो कठिनाइयों को ये जान लेने दो, कठिनाइयों को ये बतला दो कि आप उनसे ज़्यादा कठिन हो, मुश्किलों को ये बतला दो कि आप उनसे ज़्यादा मुश्किल हो। क्योंकि ये कहा भी गया है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ, आपका हौसला इतना स्ट्रोंग होना चाहिए क्योंकि आपके साथ भगवान है, और अगर भगवान साथ है तो कभी भी ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। जी हाँ, परमात्मा ने अगर हमारी रचना की है तो हमें सफलता तक पहुँचाना भी उसी का ही काम है, और हमारे जीवन में जो संघर्ष हैं वो भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय वही चढ़ा है। अग्नि में अगर सोना तपने के बाद निकाला जाता है ना, तो जो उसकी चमक होती है वो कितनी बढ़िया होती है। इसी तरह से संघर्ष से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो उसके बाद जो वो सफलता होती है कितनी लाजवाब होती है, कितनी चमकदार होती है, और दूर से ही पता चलता है कि हाँ, सफलता मिली है। ठीक है, इसीलिए एक अगर आपने सफलता का बीज डाल दिया है, आपने अगर मेहनत का बीज डाल दिया है, क्योंकि सफलता का बीज जो है वो मेहनत है, मेहनत का बीज है संघर्ष, तो अगर आपने उस बीज को डाल दिया है तो मेहनत करते जाइए, उसे सींचते जाइए, तो एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि वो जो बीज है ना वो एक
फलदार छायादार वृक्ष के रूप में जरूर बनेगा, क्योंकि अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय वही चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। जी हाँ, वो बीज डालिए सफलता का, सफलता को पाने के लिए संघर्ष का वो बीज डालिए और देखिए कि सफलता रूपी पेड़ जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी जरूर बताइएगा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एमके सॉल्यूशन चैनल को इतना मतलब मान सम्मान दिया, और उसके साथ साथ आपने लाखों की संख्या में हमें व्यूज़ दिए, आपने हमें पूरा सपोर्ट किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।